थैंक यू जीसस। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताएं। हालेलुया। कैन यू हियर नाउ? इज देर एनी साउंड नाउ? नो वॉइस? इज देर एनी वॉइस नाउ? नॉट ऑडिबल। आदि मेरा वो ले आएगा, ब्लूटूथ होते पे। यस, यू कैन हियर मी? नो ऑडियो। दिस इज समथिंग न्यू ब्रदर रमन ऑर्डर्ड फॉर मी एंड आई जस्ट गॉट इट। ओके, यस नाउ इज इट बेटर साउंड? यस, हालेलुया। दिस हैज मच मच बेटर क्वालिटी। ब्रदर रमन जस्ट ऑर्डर्ड एंड इट अराइव्ड टुडे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। Lord, we bless your holy name. Lord, we exalt you. Lord, we magnify you. You are so awesome, Lord. You are so wonderful. You are so glorious, Lord. And there is absolutely nobody like you. Lord, we cherish you above anything else in this universe. You are a life, Lord. You are a lifeline. You are the very foundation that a life rests on. Everything in a life latches unto you. Lord, we cling unto you. We bow the knees of our heart at your feet. Lord, we come to worship you. You are the fountain, majestic fountain of living water. Hallelujah. We glorify you. तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तुझे ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन, तेरे नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन, तू अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, वेट अ सेकंड। ऑलराइट, वेट अ सेकंड। हालेलुया। अब आपको आवाज आ रही है बढ़िया से? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें। हालेलुया। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं लिविंग वाटर, द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जीवन के जल का झरना हूं। हालेलुया। यीशु मसीह हैं मयम खाए, जीवन का जल। खायम का मतलब जीवन, मयम का मतलब पानी। यीशु मसीह हैं मयम खाए। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन के जल का झरना है। मैंने आपको बताया जिर्मिया 2:12 में प्रभु कहता है, मेरे लोगों में, माई पीपल हैव बिकम इम्पॉवरिश्ड, माई पीपल हैव बिकम डेसोलेट, द लैंड इज पार्च्ड एंड देयर इज नो लाइफ, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग दिया है। मैं हूं जीवन के जल का झरना। मैंने आपको बताया था हिब्रू में जीवन के जल के झरने के लिए, सोते के लिए दो वर्ड हैं, एक है मखौर और दूसरा है आयन, और आयन का मतलब आंख भी होता है। ये हम जब इस अध्ययन में एंड में पहुंचेंगे फिर परमेश्वर ये भेद हमें सिखाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु जीवन के जल का, मयम खाए, जीवन के जल का, हालेलुया, झरना है खुदावंद। हालेलुया। हैं? हालेलुया। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप जीवन का जल हो। हालेलुया। और मैंने आपको बताया व्यवस्था विवरण 32:2 में क्या कहते हैं परमेश्वर, मेरा कलाम, माई इंस्ट्रक्शंस विल फ्लो। हिब्रू वर्ड मैंने आपको बताया इज नजाल। परमेश्वर के कलाम की, इस कलाम की कुदरत क्या है? इट फ्लोज लाइक अ फाउंटेन। दिस इज द फाउंटेन ऑफ द लिविंग वाटर। ये फ्लो करेगा, नजाल का वर्ड का मतलब है जीवन का जल फ्लो करेगा, नॉट हेड नॉलेज, लाइफ विल फ्लो। हालेलुया। नॉट हेड नॉलेज। आपको मालूम टेम्प्टर ने
किस चीज को खाने के लिए भरमाया? हवा को। ज्ञान का फल, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। वहां पे जीवन देने वाला वृक्ष भी था, वो जीवन का फल खा सकते थे, लेकिन उन्होंने जीवन का फल नहीं खाया। आज भी बहुत से लोग इसे ज्ञान के लिए खाते हैं, जीवन के लिए नहीं खाते। ये जीवन है, हालेलुया, खायम खाए। तो प्रभु क्या कहता है, मेरा कलाम बहेगा झरने की मानिंद बहेगा। जब मेरा वचन आएगा तो भाइयों और बहनों रवानगी होगी, इट विल फ्लो लाइक वाटर, हालेलुया। और मैंने फिर आपको बताया कि नजाल का मतलब फ्लो, और मैंने आपको बताया दूसरा वर्ड यारा, यारा का मतलब एक झरने की तरह बहना है, नजाल यारा का मतलब बारिश की तरह, मेघों की तरह बरसना है, हालेलुया। और मैंने ये भी बताया आपको, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, मेरा जुआ लो और फिर मुझसे सीखो। यीशु मसीह रब्बाए हैं, रब्बी हैं, शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, और रब्बी को सिखाने वाले को हिब्रू में कहते हैं मोरे, मोरे का मतलब सिखाने वाला, और मोरे का मतलब होता है वर्षा, बारिश। अर्थात जब यीशु मसीह आपको सिखाएगा तब बारिश आएगी, होली स्पिरिट की रेन आएगी। H4175 वर्ड है मोरे के लिए, टीचर के लिए और रेन के लिए एक ही वर्ड है हिब्रू में, और टोरा और यारा के लिए एक ही वर्ड है H3382। तो कितना अद्भुत है परमेश्वर का ये कलाम। और मैंने आपको ये भी बताया साम 84:6 में से कि बाका की जो वैली है, वैली ऑफ बाका, जहाँ पे विलाप होता है, रोना होता है, जो डेसोलेट वैली है, पार्च्ड लैंड है, एरिड लैंड है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे बरसात आती है जब परमेश्वर के लोग वहाँ से गुजरते हैं। और हम उर्दू में गाते हैं जदों हुंदिए पहले छल्ले दी बारिश ओनू बरकतां नाल लैंदी छिपा है, खुदा वंदा तू लश्करां दा खुदा है। हालेलुया। उस पार्च्ड लैंड पे बारिश होती है और बरकतें उतर आती हैं, हालेलुया, इरेट्स के ऊपर। और मैंने आपको बताया था एक बहुत खास वर्ड जो कि मैंने आपको दिया था होशे नबी की पुस्तक में से, मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ, फिर आज के वचन में मैं आपको लेके चलूँगा। होशे नबी की पुस्तक में पढ़िए, होशे की पुस्तक में चलिए, हालेलुया, होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी उसका 6 अध्याय, उसका 3 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रॉफिट होशे, होजेया, होजेया और हिंदी में होशे कहते हैं, 6 अध्याय उसका 3 वचन, सुने क्या लिखा है। हालेलुया। देन शैल वी नो इफ वी फॉलो ऑन टू नो द लॉर्ड, तब हम जानेंगे कि क्या हम सचमुच में यहोवा को जानने के मार्ग पे चल रहे हैं। His going forth is prepared as the morning. यहोवा का जाना सुबह की मानिंद है। And he shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain unto the earth. वो हमारे ऊपर बरसेगा, पहली और अंतिम वर्षा। मैंने आपको बताया कि वर्षा जो है पवित्र आत्मा की बारिश का प्रतीक है। वर्षा पहली अंतिम वर्षा के साथ कटनी, फसल जुड़ी हुई है। हम हैं यहोवा की फसल, आप और मैं आत्मिक फसल है यहोवा परमेश्वर की। और ये आत्मिक कटनी जब यहोवा हमारे ऊपर आएगा, कैसे आएगा? लेटर एंड द फॉर्मर रेन, वो बारिश बन के आएगा, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम यहां पे हिब्रू में यहां पे होशे नबी को लिखना चाहिए था एरेट्स, अर्थ लिखा ना यहां पे, रेन अन टू द अर्थ, भूमि पे मेघ बरसेगा। तो होशे नबी को यहां पे हिब्रू वर्ड लिखना चाहिए था एरेट्स। ब्रदर ललित आज सुबह मुझे बता रहे थे बेरशित 12 एलोहिम एथ हशमाएम वा एथ अरेट्स, हालेलुया। हिब्रू सीख रहे हैं कई लोग, थोड़ा थोड़ा जितना भी आता है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यहां पे एरेट्स वर्ड नहीं है, यहां पे वर्ड है आडमा। आडमा का मतलब लाल मिट्टी, जिसमें से एडम को बनाया गया, टेकन आउट ऑफ द डर्ट। ये पानी कहां बरसेगा? आके एडमा पे, हमारे ऊपर। कौन सा पानी? पाक रू की बारिश, मोरे। जब अद्भुत शिक्षक सिखाएगा, मोरे टीचर सिखाएगा,
तब भाई और बहनों ये अद्भुत वर्षा हमारे ऊपर होगी। अभी मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ 26 अध्याय में, जेनेसिस के 26 अध्याय में। ये जो विषय, इस पे हमने 6 घंटे की शिक्षा कर ली है, अभी शायद 2 घंटे की और शिक्षा है, लिविंग वाटर 2 से भी ज़्यादा की होगी। हालेलुया। आप जेनेसिस उत्पत्ति 26 अध्याय में चलें, उत्पत्ति के 26 अध्याय में। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 26, यहाँ पे फैमिन है, अकाल है। एंड देयर वाज अ फैमिन इन द लैंड बिसाइड द फर्स्ट फैमिन दैट वाज इन द डेज ऑफ अब्राहम। एंड आइजक वेंट अनटू अबीमेलेक द किंग ऑफ पैलेस्टाइन अनटू गरार। जरार हिब्रू वर्ड है, जरार हिंदी में लिखा गरार। एंड द लॉर्ड अपीयर अनटू हिम एंड सेड गो नॉट डाउन टू इजिप्ट ड्वेल इन द लैंड विच आई शैल टेल दी ऑफ। हालेलुया। फिर वही परिस्थिति पैदा हुई है जो हमारे पुरखे इब्राहिम के साथ पैदा हुई थी। अकाल पड़ा और हमारा पुरखा इब्राहिम कहाँ चला गया? मिस्र चला गया। लेकिन उसका बेटा इसहाक ये गलती नहीं कर रहा है। अगर इब्राहिम मिस्र में ना जाता तो इब्राहिम उस स्त्री से शादी ना करता जिसका नाम हाजरा था। और यदि इब्राहिम हाजरा से शादी ना करता, कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो रुक रहा है, तो मैं थोड़ा बेटर जगह जाने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया, सुनिए ध्यान से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं थोड़ा ऊंची जगह पे जाके बैठता हूँ। थैंक यू जीसस, अभी शायद बेटर होगा। हालेलुया। इब्राहिम यदि मिस्र ना जाता, इब्राहिम ने प्रभु की आवाज़ नहीं सुनी और मिस्र गया, वहाँ से हाजरा आई और उसके बाद इश्माइल पैदा हुआ। और आप स्टोरी जानते हो, कितनी अरब नेशंस, अभी वो अरब नेशंस लौट रही हैं इसराइलियों की ओर, लेकिन इसराइल ने दुख भोगा उनकी वजह से, जो निर्णय हमारे पुरखे के गलत निर्णय। आपको मालूम, आपका एक गलत निर्णय, आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आपके पोतों के पोते अभी जो पैदा नहीं हुए, उनके ऊपर बुरा असर डालेंगे आपकी रॉन्ग चॉइसेस। तो वचन में क्या लिखा है? प्रभु कहता है, किससे कहता है? इसहाक से, कि तुम मिस्र मत जाना, तुम यहीं पे रहना, मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। और हम स्टोरी पढ़ते हैं, पूरा अध्याय पढ़िएगा। इसहाक क्या करता है? इसहाक एक अद्भुत काम करता है, मैं पूरी जर्नी आपको बताऊंगा। आपको मालूम है जरार जो जगह, गरार या जरार हिब्रू का वर्ड है, इसका मतलब है ड्रैग अप, आपको ऐसी चीज जो आपको खींचती है। जरार का मतलब है टू ड्रैग अप, इसका असली मतलब है टू डिस्ट्रॉय बाय ड्रैगिंग। एक ऐसी चीज, कभी आपने महसूस किया आपको खींचती है? मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की, काउंसलिंग की, उनको कोई चीज है जो नशे की ओर खींचती है, उनको कोई चीज है जो पोर्नोग्राफी की ओर खींचती है, वो गंदी तस्वीरें देखते हैं। आपके नेटवर्क में कोई मसला हो गया? नेटवर्क में मसला है भाई? हालेलुया, अभी बताइए नेटवर्क चल रहा है या नहीं? कुछ लोगों को मसला हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। हालेलुया, तो बताइए मुझे अभी नेटवर्क सही है? वुड यू टेल मी प्लीज। मैं छत के ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। बताइए इंटरनेट सही है? प्लीज लिखिए यस और नो। आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? बताइए प्लीज, यस और नो लिखिए प्लीज। हालेलुया। अच्छा, अभी कह रहे हैं ठीक है, ओके, ऑलराइट। सुनिए, जरार का मतलब है अ प्लेस और अ डीमन एंटिटी दैट ड्रैग्स यू। बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि वो कुछ वो करना नहीं चाहते, लेकिन कोई चीज उन्हें खींचती है। जरार का मतलब है समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज यू बाय ड्रैगिंग, बैड हैबिट, सम काइंड ऑफ इवल एडिक्शन, मे बी पोर्नोग्राफी, सम काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुडंट बी डूइंग यू डू। जरार आपको खींचता है और आपको खींच के ड्रैग करके आपको क्या करता है? आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 2:12 में, जहां से हमने शुरू किया है। प्रभु प्रभु का दास कहता है, बी एस्टोनिश्ड ई हेवंस, बी एस्टोनिश्ड ई अर्थ। क्यों? क्योंकि द लैंड इज बिकम डेसोलेट, द लैंड इज बिकम एरिड ड्राई प्लेस, होल लैंड इज पार्च्ड एंड देयर इज नो वाटर। हालेलुया। और सब कुछ अकाल की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, अकाल आ रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन के जल के झरने का त्याग किया इसराइल ने, और जो हौदों के अंदर पानी है वो काफी नहीं है, वो सड़ रहा है पानी, उसमें सड़ांध है, दुर्गंध आ रही है। हालेलुया। तो अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, अब मैं ऊपर बाइबल नहीं लेके आया तो आपको वचन खोलना है, उत्पत्ति की पुस्तक 26:15-25 तक अगर आप पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त घटना है। हमारे पुरखे इब्राहिम ने, वो भी इसी जगह गया, इसहाक अपने पिता के पद चिन्हों में चल रहा है, जहां जर्नी इब्राहिम ने की वहीं जर्नी इसहाक कर रहा है। और हमारे पुरखे इब्राहिम ने कुएं खोदे थे, बहुत सारे कुएं थे। इब्राहिम डग अप मेनी वेल्स, इब्राहिम हैड लॉट्स ऑफ सर्वेंट्स, स्ट्रॉन्ग एंड माइटी सर्वेंट्स, ही ट्रेन्ड कोच्ड सर्वेंट्स। हालेलुया। ही टुक जस्ट हैंडफुल ऑफ सर्वेंट्स एंड ही डिफीटेड 5 kings, अ माइटी आर्मी ऑफ 5 kings दैट वॉज रेडिंग ऑल स्मॉल नेशंस एंड लूटिंग देम। इब्राहिम वेंट आफ्टर देम विद जस्ट लिटल ओवर 300 soldiers। वो सोल्जर नहीं थे, वो उसके सर्वेंट थे। इब्राहिम कोच देम, ट्रेन देम, मेंटोर देम। उन्होंने 5 देशों की सेना को हराया, लूट को छुड़ाया और लूट का सारा माल ले आए, और उन्होंने मलकीसेदक को टाइट दिया। तो ये सारे कुएं जो थे ये भर दिए, किसने? दुश्मनों ने। दे स्टॉप्ड, अंग्रेजी का वर्ड है, दे स्टॉप्ड ऑल द वेल्स, कुओं को भर दिया। हालेलुया। तो क्या लिखा यहां पे कि इसहाक कुओं को खोदता है, इसकी स्टोरी पे हम अध्ययन करेंगे। तो जब खोदता है तो वहां पे क्या लिखा है, उसे जीवन के जल का पानी मिलता है, उसे मिलता है खाई मायम खायम, खायम मायम या मायम खायम, जीवन के जल का पानी मिलता है। खाई का मतलब लिविंग पानी, जीवित पानी। आपको मालूम गहरे कुओं का जो पानी है वो जीवित क्यों है? क्योंकि गहरे कुएं नीचे जो स्ट्रीम बह रही है, सबटरेनियन स्ट्रीम, जो नीचे पानी बह रहा है धरती के नीचे, वो पानी का स्रोत खुलता है, उसमें से हम पानी पीते हैं, गहरे कुओं का। वो जीवन का पानी नीचे चल रहा है पृथ्वी के नीचे, इट्स नॉट स्टैगनेंट, इट्स नॉट स्टॉप्ड एनीवेयर, इट्स फ्लोइंग अंडरनीथ डीप बिलो, वो पानी है, गहराई का पानी। तो इसहाक उसे कहता है मयम खई, जीवन का पानी। लेकिन जब ये कुआं खोदता है तो कौन खोदता है? इसहाक। वो कुएं जिसे फिलिस्तीनियों ने, आपको मालूम फिलिस्ती का मतलब क्या होता है, फिलिस्टाइन, फिलिस्टिया का मतलब होता है एनिमिटी, वैर, वैर ने वो कुएं बंद कर दिए, जिन कुओं के अंदर जीवन के जल की धाराएं बहती थी, जो गहरे कुएं थे जहां पे पानी फ्लो कर रहा है लगातार, उस वो पानी खींच रहे हैं वो कुएं, उन कुओं को दुश्मन ने बंद किया। आपको मालूम शत्रु, शैतान, दुश्मन, और फिलिस्ती का मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी, वैर, वैर आपके जीवन के सोतों को बंद करना चाहता है। वैरी शैतान की स्ट्रेटजी है कि आपके अंदर से जीवन के जल का फ्लो रुक जाए, और वो आपको धर्म देगा, ईसाई धर्म जीवन के जल को समाप्त कर देगा। यही बात यहोवा परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा कह रहे हैं, यिर्मयाह 2:13 में, कि इन्होंने यहूदी धर्म बना लिया है, इन्होंने मुझे त्याग दिया है, मैं ही तो हूं जीवन के जल का झरना जो इन्हें संतुष्ट कर सकता हूं, इन्हें जीवन दे सकता हूं, इनके जीवन को पर्पस देने वाला, मीनिंग देने वाला मैं हूं। इन्होंने अपना धर्म बनाया, अपने सिस्टर्न हौद बनाए हैं, और लिखा जिनमें पानी नहीं समा सकता, ये टूटे हुए हौद है। हालेलुया। तो जब पहला कुआं खोदता है तो वहां पे लिखा है इसक उसका नाम रखा, इसक का मतलब झगड़ा, उन्होंने आके लड़ाई की, तो वो वहां से चला गया और उसने एक और कुआं खोदा, उसका नाम रखा सितना, सितना।
अगर आप हिब्रू में अध्ययन करेंगे, सितना वर्ड का मतलब होता है सेटन, हसतान जो वर्ड है ना वही है यहां पे। मुझे नहीं मालूम इसका नाम सितना क्यों रखा बाइबल ट्रांसलेटर ने, इसका नाम का मतलब है वैरी, एडवर्सरी, दुश्मन, आप पे दोष लगाने वाला, झूठे आरोप लगाने वाला, शैतान जो आपको गिराना चाहता है। हालेलुया, सतना, सितना, सेटन, हालेलुया। वहां पे भी तो क्या हुआ, इसहाक आगे बढ़ गया। आपको आगे बढ़ते जाना है, समझ रहे हैं आप। मेरे जीवन में बहुत से लोग आए जो आपके बहते दरिया में से पानी पी के चले जाते हैं, आपको इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनका मकसद पूरा हो गया आपको छोड़ देते हैं, यूज एंड थ्रो। फिर आपके बुरे में बुरी बुरी कहानियां बना के लोगों को सुनाते हैं, आपके सोते का पानी पी के वो बरकत लेते हैं, आशीषित होते हैं। ऐसे पड़े जिन्होंने सेवकाइयां शुरू की, आशीषें ली, प्रभु ने मुझे भलाई बोने के लिए रखा है, दया और करुणा बोने के लिए रखा है, मैं बुरा बीज नहीं बोऊंगा, मैं करुणा, दया, भलाई, पवित्र आत्मा के जो फल हैं। आपको मालूम फल फल होता ना, आपने फल लिया पवित्र आत्मा का, समझ लो पवित्र आत्मा का फल है प्यार, लव, अहावा या अगापे ग्रीक में, उसमें से आठ और फल निकल रहे हैं। फल एक ही है, ये नहीं लिखा पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का एक फल है, उसमें से आठ और चीजें निकलती हैं। मैं अगर आपको कहूं, मान लो कि पवित्र आत्मा का फल जो है वो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, उन अंगूरों में से लीचियां निकल रही हैं, उन अंगूरों में से सेब निकल रहा है, माल्टा निकल रहा है, संतरा निकल रहा है, कीवी निकल रहा है, आठ और फल निकल रहे हैं। तो वो जो फल आप खाते हो, फल के अंदर क्या होता है, राइट इन द मिडल, फल के बीच में क्या होता है बताइए। सेब आप काटोगे, सेब के बीच में से क्या निकलेगा, सीड, बीज। तो वो बीज आपने बोने हैं, हालेलुया। आप दया बीजें, करुणा बीजें, भलाई बीजें, लोग आपको इस्तेमाल करें, यूज एंड थ्रो करें, आपकी पीठ में खंजर घोपें, आपके विरुद्ध खड़े हों, आप प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें। ये हमारा पिता इसहाक ऐसा कर रहा है, वो लड़ा नहीं, उन्होंने झगड़ा किया, इसक सितना शैतान आया, वो आगे बढ़ा, और जब वो आगे बढ़ा तो यहोवा ने उसे एक कुआं दिया, और उस कुएं का नाम आपको मालूम हमारे पुरखे इसहाक ने क्या रखा, रहबोथ। रहबोथ का मतलब क्या, गॉड हैज गिवन अस अ लार्ज प्लेस नाउ, अब यहोवा ने हमें बहुत बड़ी जगह दी है। आप भाई और बहनों इसक में मत फंसे, इसक करेगा शैतान आपके साथ। दे स्ट्रोव, स्ट्रोव का मतलब झगड़ा किया, जिसका असली मतलब है, जो वर्ड है मैं आपको बताता हूं ये वर्ड क्या है। ये वर्ड है इसेक, जो है इसेक के लिए हिब्रू वर्ड है H6231। इसेक के लिए हिब्रू वर्ड H6231। हिब्रू लेक्सिकन में 6231 नंबर वर्ड है, आप चेक कर सकते हैं इसे। इसका मतलब है टू अपोज बाय डिफ्रॉडिंग, स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। आपका अपोज करना, आपके विरुद्ध में खड़े होना, आपको, आपकी बरकतों को छीनने की कोशिश करना और डिफ्रॉड करना और आप ही पे दोष लगाना, आपसे बरकत लेना फिर आप ही के ऊपर दोष लगा देना, ये काम है शैतान का। इसक दूसरा है सितना, सितना के लिए हिब्रू वर्ड है सेटन, हसतान, शैतान। शैतान कौन है, एडवर्सरी, वैरी, वो आपका विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, आप पे दोष लगाता है, आपकी ब्लेसिंग को चोरी करता है। और शैतान क्या करता है, ऑपरेशन लाता है आपके जीवन में, ऑप्रेस करता है आपके माइंड को, डिफ्रॉड करता है। हालेलुया, यू कैन नॉट वॉक इन विक्ट्री बिकॉज एनिमी इज अपोजिंग यू, यू फील ऑप्रेस्ड, आप ऐसे लगता है चारों साइड से आपको दबाया जा रहा है, ये काम है शैतान का, वैरी का, दुश्मन का, ये करेगा इसक और सितना करेगा। हालेलुया, लेकिन आप अगर वफादार हो प्रभु के साथ, आपको रहबोथ में लाएगा यहोवा, वो वहीं रह जाएंगे इसक और सितना में, जिन्होंने आपसे वैर किया, जिन्होंने आपको लूटा, जिन्होंने आपको दगा किया, वो कभी रहबोथ में नहीं पहुंचेंगे, आपको यहोवा रहबोथ में लेके जाएगा। रहबोथ का मतलब लार्ज प्लेस, अबंडेंस, एक्सपेंशन, गॉड विल एक्सपेंड योर लाइफ, God will make the impact of your life worldwide.
आपके जीवन का असर पृथ्वी की कौमों पे होगा, पृथ्वी के लोग आपके द्वारा बरकत पाएंगे। नो नेटवर्क कह रहे हैं, हालेलुया। सुनिए, अभी मैं और आगे जाता हूं। अभी नेटवर्क है या नहीं है बताइए। कुछ लोगों को नेटवर्क मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। है नेटवर्क बताइए मुझे प्लीज, मैं रूट टॉप पे आ गया। हालेलुया, सुन रहे हैं आप यहोवा का कलाम? आ रही आवाज? प्लीज मुझे बताएं अगर आपको आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हालेलुया, रमन खान जी लिख रहे हैं हालेलुया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और इसके अंदर शैतान बहुत रिंगा डाल रहा है, लेकिन हम भी हटने वाले नहीं हैं भाई और बहनों। हालेलुया, हम आगे बढ़ेंगे। इसक और सितना के बाद रहबोत आएगा, अवश्य आएगा। ऑल गुड, थैंक यू ब्रदर हितेश चोपड़ा जी, थैंक यू। क्या कहता है परमेश्वर? परमेश्वर आपको रहबोत में ले जाना चाहता है, लेकिन आपको रहबोत से रोक रहा है। कौन? इसक एंड सितना, ऑपरेशन, डिफ्रॉडिंग, एडवर्सरी आपको रिसिस्ट कर रहा है, वो आपको रोक रहा है। तो क्या करना है? घुटनों पे आ जाएं, उपवास रखें। मैं अक्सर उपवासों में चला जाता हूं और प्रभु का चेहरा ढूंढता हूं। हालेलुया, प्रभु आपको लाएगा रहबोत पे। हालेलुया, रहबोत पे लाएगा। आपको मालूम, मैं आपको यहां पे मैंने बताया जो हमने पढ़ा था उत्पत्ति 26:15, वहां पे लिखा ऑल द वेल्स वर स्टॉप्ड बाय द पैलेस्टाइन्स। फिलिस्तीनियों ने कुएं बंद कर दिए, इंग्लिश में लिखा स्टॉप्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है वो क्या है। ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है, आई थिंक दिस इज द वर्ड, रुब। रुब, वी स्टिल हैव टू चेक इट, आई डोंट हैव द नंबर ऑफ द वर्ड। रुब इज द ओरिजिनल हिब्रू वर्ड, दे स्टॉप्ड इट। हालेलुया, इसका असली मतलब क्या है? दे डिबेटेड, डिबेट करना, आर्ग्यू करना। और ये जो वर्ड स्टॉप्ड है, इसका मतलब ये भी है पर्दा डाल देना, ढांक देना और कंटेंड करना, विवाद करना। शैतान क्या करना चाहता है? शैतान, भाई और बहनों सुन ले ध्यान से, शैतान यारा पे पर्दा डालना चाहता है। यारा का मतलब पानी का फ्लो करना। प्रभु कहता है 32 चैप्टर वर्स नंबर 2 डिटरोनमी में, मोरे की तरह आएगा मेरा कलाम, बारिश की तरह। होशे 6:3 में लिखा है बारिश की तरह, फर्स्ट एंड द लास्ट रेन। परमेश्वर का कलाम बारिश की तरह आएगा, यारा टोरा, परमेश्वर का कलाम मोरे की तरह बरसेगा परमेश्वर का कलाम। लेकिन शैतान क्या करेगा? शैतान उस रेवलेशन के ऊपर पर्दा डालेगा, वो आप तक परमेश्वर के सच्चे कलाम को पहुंचने नहीं देगा। उसे मालूम है अगर परमेश्वर के कलाम का रेवलेशन, आपको मालूम परमेश्वर के कलाम का रेवलेशन कुंजियां है, जिसे हम डेविड की कुंजियां कहते हैं, दाऊद की कुंजियां। कुंजियां चाहिए आपको लॉक खोलने के लिए। हालेलुया, फिलिस्तीनियों ने दे कवर्ड एंड कंसील्ड, हिब्रू वर्ड बताता है टू कीप सीक्रेट, टू शट आउट, उस चीज को छिपा देना। शैतान की ये कोशिश है कि पॉपुलेशन लोगों तक ना पहुंचे। हालेलुया, जब वो रहबोत में पहुंचा और उन्होंने कुएं खोदे, और आपको मालूम क्या हुआ? मयम खायम मिला, मयम खाई, जीवन के जल के झरने मिले वहां पे। हालेलुया, शत्रु आपके विरुद्ध एनिमोसिटी, एंगर हार्बर करेगा, लेकिन हमें अपने पिता इसहाक की तरह आगे बढ़ना है। पुरानी बातों को पीछे भूल के हमें आगे बढ़ना है। बुराई का बदला बुराई नहीं देना, हमें आगे बढ़ना है। हमें फल बोने हैं आत्मा के, करुणा, दया, भलाई, ये बोते जाना है। परमेश्वर खुद इसकी फसल लेकर आएगा।
पहली और अंतिम वर्षा भेजेगा और इसकी फसल आएगी हमारे ऊपर। हालेलुया। तो क्या लिखा यहाँ पे, रहबोथ में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देगा आपको। परमेश्वर, मेरे से लोगों ने ऐसा किया, मैंने चर्च प्लांट किया कई जगह, सैकड़ों जगह कलीसियाँ स्थापित की, जहाँ मुझे प्रभु लेके गया वहाँ कलीसिया स्थापित हुई, अन्य जाति के लोग प्रभु में आए, हजारों हजारों बल्कि लाखों गुना लाखों भाई और बहनों, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, एग्जैजरेशन इज अ सिन, सैकड़ों जगह कलीसिया स्थापित हुई जिनको मैंने खड़ा किया, लोगों को प्रभु में लाया, हिंदू सिख मुस्लिम जैनीज अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से उनके हाथ में सौंप दिया, आप संभाल लो। मैं आगे बढ़ गया। जब मैंने आप सबको सुनाई दे रहा है, प्लीज़ मुझे फिर मैसेज करें, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है, प्लीज़ राइट मी अ मैसेज। हालेलुया, सबको सुनाई दे रहा है। भाई और बहनों, जब मैंने छोटी पोजीशन छोड़ी, किसी के लिए दे दी, तुम ले लो, मैं आगे बढ़ा, प्रभु ने बड़ी पोजीशन दी। मैंने डिफ्रॉड नहीं किया, आई नेवर कंटेंडेड। इफ पीपल वॉन्ट टू टेक अवे फ्रॉम मी, आई सेट यू टेक अवे। माई गॉड इज सो लार्ज। हालेलुया, बिलीव इन द बिगनेस ऑफ योर गॉड, ही इज सो बिग। इफ एनी बडी वॉन्ट्स टू टेक बाय डिफ्रॉड, लेट हिम टेक। बहुत ले गए, लेकिन मुझे रहबोथ में लाया यहोवा, वो नहीं पहुंचे रहबोथ में। आप डिफ्रॉड करके, चीट करके, दूसरों की ब्लेसिंग को हथिया के कभी भी रहबोथ में नहीं पहुंचोगे। रहबोथ में वो पहुंचता है। आपको मालूम, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, ये इंग्लैंड की कहानी है, समवेयर 1880 में किसी की टेस्टमनी है, ये इंग्लैंड में ये घटी है। कोई एक व्यक्ति था जिसने डाउनटाउन लंदन में रहता था और कंट्री साइड से आया था वो, और प्रभु का बंदा था। उसने 7 साल इंग्लैंड में काम किया, अपने घर नहीं लौटा, 7 साल के वो प्रभु का बंदा था, और वो वहाँ पे एक चर्च बनाया, उसने चर्च को सपोर्ट करता था, प्रभु के काम को सपोर्ट करता था। 7 ईयर्स के बाद वो लौटा, और 7 ईयर्स की उसने प्लेज की थी अपनी फियांसे से कि मैं 7 साल बाद लौटूंगा और शादी करूँगा, और वो प्रभु का भक्त था, और वो काफ़ी कुछ लेके अपनी गाड़ी में लौट रहा था, जा रहा था, उसकी शादी होनी थी, वो प्रभु का दास था। मैंने उसकी टेस्टमनी पढ़ी बहुत साल पहले इंग्लैंड में एक बुक में। उस व्यक्ति को डाकुओं ने रस्ते में घेर लिया और उन्होंने उसे लूटा। जब वो उसे मैन हैंडल कर रहे थे, वो उन्हें प्रभु का वचन बता रहा था और वो मुस्कुरा रहा था, तो वो चोर बैफल्ड थे, ये बंदा उन्हें प्रभु का वचन बता रहा था। आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी, चल रहा है या रुक गया अभी, बताइए प्लीज। प्लीज यस लिख दें अगर आपको आवाज आ रही है। ऑलराइट, तो सुने ध्यान से, वो उसको लूट के चले गए। फिर उन्होंने लूट लिया, तो अब उनमें से एक ने कहा, अरे ये बंदा तो बड़ा रिजॉयस कर रहा है, बड़ा खुश है, इसकी गाड़ी भी ले जाते हैं, फिर देखते हैं। वो सब कुछ ले गए, उस बंदे को उन्होंने उतारा, उसकी गाड़ी लेके चले गए। अब सुने, कोई एक बहुत बड़ा ड्यूक जो होते हैं, कोई ड्यूक था जिसे सर की उपाधि मिलती, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने दूर खड़े होकर वह सारा नज़ारा देखा। जब वो उसके पास आया, उसने देखा वो पास में जंगल सा था, वो जंगल में चला गया और वहाँ घुटने टेके उसने, और स्वर्ग की ओर हाथ उठा के यहोवा का धन्यवाद कर रहा है। आपको मालूम यहोवा से क्या कह रहा है? कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और वो बहुत बहुत रिच जो नाइट था ब्रिटेन का, वो उसकी सुन रहा है प्रेयर। वो प्रेयर क्या करता है? अपने हाथ उठा के स्वर्ग की ओर कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, आई सो डीपली अप्रिशिएट यू, आई एम सो ग्रेटफुल कि परमेश्वर वो मेरा धन तो लूट के ले गए, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मुझे मारा नहीं उन्होंने। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग माई लाइफ, मेरा जीवन बचाया आपने। फिर वो कहता, परमेश्वर वो मेरा बहुत कुछ लूट के ले गए, 7 साल की मेहनत, लेकिन मेरा सब कुछ लूट के नहीं लेके गए, अभी मैं मेरे पास जीवन है। आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो उससे कई ज़्यादा गुना मैं और इकट्ठा कर कमा सकता हूँ। आपको मालूम, उसने फिर घुटने टेक के प्रभु का किस चीज़ के लिए धन्यवाद किया? उसने इस चीज़ के लिए धन्यवाद किया जिसे देख के वो जो नाइट खड़ा था वहाँ पे,
बहुत रिच ब्रिटिश बंदा खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठा के प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं वो था जो लूटा, मैं वो नहीं था जिसने लूटा। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे उस टोले में नहीं रखा जो लूट के ले गए हैं, बल्कि उस ग्रुप में तूने मुझे रखा जिसे लूटा गया। तो मैं तेरे जैसा हूं क्योंकि तुझे भी तो लूटा गया। हालेलुया। भाई और बहनों, इसहाक आगे बढ़ता गया, उसने परवाह नहीं की किसकी, इसहाक की और सितना की। शत्रु था, शैतान था, इसहाक में वो ड्रैग करना चाहता था उसे। ड्रैग, ग्रार का मतलब ड्रैग करना, पीछे खींचना, गिराना, लेकिन वो निकला आगे। जो आपको पीछे खींच रही है ना चीजें, जो आपको गिराना चाहती हैं, आगे बढ़िए, उनसे तोड़िए उन्हें यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वो डिसेटिंग सिन, आपको बार बार गिराने वाले पाप, परित्याग करें उनका, जयवंत हो उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ ड्रैग नहीं कर सकता पीछे, हर उलझाने वाला पाप और आपको गिराने वाली वो चीज निकाल फेंके। प्रेरित पलूस मैराथन दौड़ दौड़ने वाले की एनालॉजी दे रहा है वहां पे, कि जो दौड़ दौड़ते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी टांगों में कोई चीज फंसे ना, वो हर एंटेंगलमेंट को निकाल देते हैं, फेंकते हैं, क्योंकि वो दौड़ना चाहते हैं। आपको ड्रैग नहीं कर सकता जरा, आपको आगे बढ़ना, क्योंकि यहोवा कह रहा है मैं तुझे उस जगह लेके जाऊंगा रहबोत में। तो लेकिन जिस जगह यहोवा आपको पहले लेके जाए, आपको शैतान अजमाएगा, इसक में अजमाएगा। फिलिश्ती का मतलब वैरी, दुश्मन, और वो क्या करेगा दुश्मन, कुओं को बंद करेगा, आपके पास कलाम का प्रकाश नहीं आने देगा, कपड़ा डालेगा, बंद करेगा, आपकी आंखें बंद करेगा। वो आपके इर्द गिर्द होंगी चीजें, लेकिन आपको दिखने नहीं देगा। आज शाम को इस पे मनन करेंगे हम, कि आपके इर्द गिर्द ही होगा लेकिन दिखने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि डिमेंशनल रियलिटीज में आपकी आंखें नहीं खुली होंगी, आप केवल इस थ्री डिमेंशनल दुनिया को देखेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सी बियॉन्ड। हालेलुया। उस पे हम फिर मनन करेंगे। तो आपको इसक में नहीं रुकना, जहां पे स्ट्राइव करेंगे दुश्मन, डिबेट करेंगे, आपके विरुद्ध खड़े होंगे। आपको सितना में, जहां पे शैतान खुद आएगा, सितना का मतलब है शैतान खुद आएगा विरोध करने, लेकिन आपको प्रभु की सामर्थ्य से आगे बढ़ना, फिर आपको प्रभु रहबोध में लेकर आएगा। परसिवियर जब करेंगे तब है बरकत, चौड़ी जगह है, बरकतों से भरी जगह है। हालेलुया। वहां क्या मिलेगा आपको, वहां पे लिखा है उसने कुआं खोदा। हालेलुया। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, जीवन के जल का पानी मिला। क्या मिला? लिविंग वाटर। क्या मिला उसे? मयम खाए, जीवन का पानी मिला रहबोत में। और इसहाक ने क्या किया, उसे क्या मिला? बेर शीबा। आगे क्या पढ़ते हैं आप? बेर शीबा। रहबोत से कहा गया बेर शीबा। बेर शीबा क्या है? बेर का मतलब होता है कुआं, बेर का मतलब कुआं, और शिबा का मतलब होता है सेवन, सेवनिंग, सेवन करना, जिसका मतलब होता है ओथ। सात कुएं मिले, जिसका मतलब शपथ का कुआं। और कौन मिला उसे वहां पे? 25 वचन पढ़िए, 26:25। उसने जगवेदी बनाई और वहां उसे यहोवा मिला, यहोवा ने दर्शन दिया। परमेश्वर आपको बेर शिबा लेके जाना चाहता है, जहां यहोवा आपसे वाचा बांधेगा, शपथ खाएगा आपके साथ, ओथ एग्रीमेंट में आएगा यहोवा और अपना दर्शन देगा आपको, और जीवन के जल के झरनों के पास रखेगा यहोवा परमेश्वर। लेकिन इससे आएगा सितना आएगा, वैरी खड़ा होगा, फिलिस्तिया, वो कवर करेगा, कुओं को बंद करेगा ताकि आपके पास रेवलेशन ना आए। लेकिन आपने प्रेस करना है भाई और बहनों, जीवन के जल का झरना आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। बेर शिबा, सेवन ओथ ऑफ द वेल ऑफ ओथ। बेर का मतलब होता है कुआं, शाम को इसके ऊपर और मनन करेंगे। बेर का मतलब कुआं, प्रतिज्ञा का कुआं, ओथ का कुआं, वाचा का कुआं। अब यहोवा आपसे वाचा बांधेगा और आप जगवेदी बनाएंगे और यहोवा दर्शन देगा। बेर शिबा, आपको मालूम
जिसके साथ हमारे पुरखे इब्राहिम ने अडल्ट्री की, उसका नाम था बैतशीबा, बैतशीबा, और वो बाथ ले रही थी, समझे हम, बैतशीबा उरिया हित्ती की पत्नी थी जो। तो क्या कहता वचन, अपने कुंड से पानी पीना है राजा दाऊद जी, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन की और गहराई में हमें घुसना है, हालेलुया। शाम को मैं फिर इसके ऊपर आगे आपको वचन दूंगा, तो शाम को प्लीज़ सभी गैदर हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।